वो कितने छोटा सा बच्चा है देखो, शायद 1 इंच से भी कम है, लेना 1 इंच से भी कम। निकाल देते हैं इसको, फिर साइड में रख पाता हूँ मैं कहीं, शायद इसकी मम्मी वहां तक पहुंच जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाविस वर्ल्ड। और देखो अरहान खेल रहा है, पानी पी रहा है, और लावी खेल रही है अपने वही पजल गेम्स। हेलो गाइस कर दे, हेलो गाइस दे से, हेलो गाइस। ये लावी आ गई, पानी पिलाई लावी इसको, गिराएगा। और आज मम्मी की तबीयत खराब है, मैं गया था कुछ काम से, अभी आया हूँ। और चलते हैं ऊपर, देखते हैं कुछ काम है ऊपर मुझे। हाँ क्या बोल, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा दो, घंटा बजा दो, और शेयर कर दो, बोल दो, कर दो। Later that same evening. Good evening friends. और मैं ऊपर आ गया था, और मैं जैसा कि बताया था मैं काम करना ऊपर कुछ, तो मैं कर रहा हूँ अपने स्टोर रूम की सफाई। दिखाता हूँ मैं भी आपको अपना आज स्टोर रूम। ये स्टोर रूम है हमारा, के अंदर जो काम का सामान नहीं होता, मतलब जो कभी कभी यूज आता है, वो सारा सामान इसमें भर देते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा सामान है, देखो मेरी गाड़ी की 2 2 बेस्ट ट्यूब है, पहले गाड़ी थी जो उनमें से निकाली बट दुबई डाली नहीं, तो 2 बेस्ट ट्यूब है, 2 एम्पलीफायर है, स्पीकर्स है बहुत सारे, कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर रखा है बहुत पुराना मॉडल P4। और ये सब सामान मैंने निकाला है, इसमें तो कुछ काम का सामान ढूंढ रहा हूँ, और बाकी को फिर हटा देंगे, करते हैं, कर रहा हूँ अभी, थोड़े में मिलते हैं। शाम हो गई, लाभी मेरे साथ लगी हुई है, अभी सीमा का भी आने का टाइम हो गया, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले थोड़ा सा मेट लेता हूँ ये। काम हो गया हमारा खत्म, लाइट चली गई थी काम करते करते लावी ना मुझे काम करते करते लाइट चली गई थी, और लाइट आ गई है, और हमने सारा काम यहाँ का फिनिश कर दिया। बाकी तो थोड़ा बहुत रह गया, कल करेंगे, यहीं रखा है इसके ऊपर रख दे, बाकी जो रह गया वो कल करेंगे। मिलते हैं, तो आ गई है मम्मी, मम्मी आ गई, सीमा भी आ चुकी है, चलते हैं नीचे, नीचे देखते हैं। और ये पुराने सामान मिला है गणेश जी, इसको कल चालू करेंगे, दिखाएंगे, फिर सेल डलते हैं, म्यूजिक भी बजता है, लाइट भी जलती है शायद, लिखा तो है LED एंड सॉन्ग, तो दिखाएंगे। जय गणपति बापा मोरिया, चलते नीचे, नीचे मिलते हैं। काम वगैरह करके मैं आ गया हूँ नीचे, के बहुत थक गया, जब भी पूरा काम हो नहीं पाया। वैसे मैं कई बार उस कमरे में घुस चुका हूँ काम करने के लिए, मैं 18 बार रह जाता है, तो यार आज भी वही हुआ, रह गया, नेक से चढ़ गई, मतलब सुस्ती आ जाती है वो कमरा, थोड़ा ऐसा ही है ना, लेजी लेजी हो जाता है। बाकी उसको मैं एकदम क्लीन कर दूंगा, उस दिन दिखाऊंगा मैं आपको। और सीमा आ चुकी है जैसा कि मैंने बताया था आपको ऊपर, और ये लेके आए हैं मोमोस, आज मॉडल टाउन के मशहूर मोमोस लाए, मॉडल टाउन। और अब हम खा रहे हैं मोमोस, मॉडल टाउन वाला मोमोस बहुत अच्छा स्वाद आता है, ये इसकी मेयोनीज बड़ी अलग है, डिफरेंट, इसके अंदर मतलब उन्होंने क्या क्या डालता है, मतलब वेजिटेबल्स डाल रखे हैं मेयोनीज में, और मेयोनीज का ही टेस्ट है बहुत बढ़िया, और चटनी भी टेस्टी भी, खा लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. फ्रेंड्स मैं ऊपर आके ना थोड़ा बेड में से कंबल वगैरह निकाल रहा था, वो रात को सर्दी लगती है, तो अभी हमने देखा हमारे बेड में ना, जब से हमने सिराना हटाया है ना, तो
इसमें कुछ शायद ये जो होती नट लगाने की जगह होती है वहाँ से चुई घुस गई छोटी सी, और आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने छोटी चुई भी बच्चे देती है। बताओ छोटे छोटे बच्चे दे रखे हैं चुई के, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, और इतने छोटे बच्चे ही मैंने पहली बार देखे हैं। मैं थोड़े बड़े बच्चे देखे हैं हमेशा चूहे के, इतने छोटे बच्चे मैंने पहली बार देखे। तो लगता है छोटी चुई अलग प्रजाति की होगी, तो उस छोटी चुई ने ही छोटे बच्चे दे दिए। दिखाता हूँ बैक कैमरे से, ये देखो फ्रेंड्स हमारे घर में तीन तीन बच्चे, बट हम इसको क्या करें यार, चुई तो भाग गई भाई, इसको यहाँ से तो हटाने हैं, बेड में घुसे हुए बैठे हैं। देखो छोटी चुई ने बच्चे दिए होंगे, ये पूरे बेड में चुई घुस गई थी और हमारा काफ़ी सारा नुकसान कर दिया है। शुक्र है कंबल वगैरह नहीं काटे, ये मेरी शादी की टोपी है, इसमें ही बच्चे दे रखे थे, इसमें को इसको काट दिया पूरा। और फ्रेंड्स चुई के बच्चों का रेस्क्यू करने के लिए मेरी मम्मी आई है, तो मम्मी इन सब काम में माहिर है, और मम्मी ने बताया कि छोटी चुई छोटे बच्चे देती है, तो ये उसी छोटी चुई के ही बच्चे हैं, लगता है वो अलग प्रजाति की होती है। तो चुई के बच्चे मैंने देखे हमेशा बड़े बड़े होते हैं, बड़ा चुई इतनी सी और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और लाही की मम्मी तो देखना भी पसंद नहीं करती है, देखो क्या चिल्ला रही है, देखो क्या ऐसी हालत हो गई। वही मैं निकालता हूँ, मैं निकाल देता हूँ हाथ से, मैं हाथ से निकाल देता हूँ अभी और दिखाता हूँ आपको। और फ्रेंड्स देखो इसको निकालना जरूरी है, हम इसका रेस्क्यू कर रहे हैं, मुझे पता है ये बचेंगे तो है नहीं, बट हमें यहाँ से तो निकालना ही ना, वरना हमारे कपड़े सारे फाड़ देंगे। उसमें कोट पैंट वगैरह साड़ियाँ बहुत सारा सामान रखा है इसमें, ऐसा नए नए कंबल जो हम कभी कभार यूज करते हैं साल में। तो देखो कितने छोटा सा बच्चा है, देखो शायद एक इंच से भी कम है, एक इंच से भी कम है, इसको निकाल रहा हूँ, निकालता हूँ इसको, हम निकाल देते हैं इसको, फिर साइड में रख पाते हूँ मैं कहीं, शायद इसकी मम्मी वहाँ तक पहुँच जाए। A few moments later. जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस कमरे की और थोड़ी बेड की सफाई करी अभी, और अब सीमा कर ली है, जो गरम बेड में से गरम कपड़े निकाले थे थोड़े, तो सेट कर रही है। देखो अब ये आए हैं, ये भी लग गए हैं काम पे। कितना रह गया जी? थोड़ा सा आधा रह गया। बाकी अभी आपको देख रहा होगा ये कमरा भरा हुआ है, थोड़े दिन में आपको पूरा साफ दिखेगा। मैं इसका सारा सामान हटा दूंगा, डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ सारे सामान को, कोई बहुत ज़्यादा फालतू सामान भरा हुआ था इस कमरे में। एक्चुअली ये ना, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये स्टोर रूम था, तो जो भी फालतू सामान था हम यहाँ डाल देते थे, किसी काम का नहीं था कमरा। अभी इसको हम थोड़ा साफ करके सोच रहा हूँ एक अलवारी और लेके, ये कंप्यूटर टेबल चली जाएगी नीचे में, और यहाँ पे एक और अलवारी ला के रखेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, बट लेंगे सेकेंड हैंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेकेंड हैंड सामान मिलता रहता है। और बेड वगैरह को हमने कर दिया कम्प्लीट, बस इस पर चद्दर बिछानी है, क्योंकि गद्दे तो आपको पता है अगर पुराने भी लोग देखे हैं तो आपने हमने फेंक दिए थे, ख़राब हो गए थे, तो बस कर रहे हैं काम, थोड़ी देर मिलते हैं आपको, नहीं चलेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर करेंगे ब्लॉग को एंड, मिलते थोड़ी देर में। इतने इनका भी काम ख़त्म हो जाए, इनके लिए रुका हुआ हूँ, मेरा काम तो हो गया कंप्लीट, इनके चक्कर में खड़ा हूँ मैं। गाइस जिस चूही के और चूहे के बच्चे हमें बेड में मिले थे ना, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, उसके मम्मी पापा चूहा और चूही बहुत ही छोटे, वो भी छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं वो भी, और चूहा और चूही घूम रहे हैं बेचारे अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, बट हम उसको बाहर रख आए हैं। मैंने काफ़ी देर यहाँ पे रखे थे ताकि इसके मम्मी आज आके इन बच्चों को उठा के ले जाए, बट वो काफ़ी देर से आई ही नहीं। अब मुझे बड़ा ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उसको निकाल के और बाहर रखवा दिए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको ला के यहीं रखूँ वापस, ताकि ये उठा के ले जाए अपने बच्चों को। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है यार, ऐसे माँ बाप को बच्चों से ही दूर करना, बहुत ही फील हो रहा है मुझे। सीमा भी बहुत मतलब उसका तो नर्वस हो गई, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है हर चीज़ पे, चूहा वगैरह को मार दे तो मैं बता नहीं सकता इस टाइम मुझे कितना दुख हो रहा है, बट बेड में से निकालना ज़रूरी था। देखो अभी भी गई है यहीं से घूम रहे, दोनों एक साथ घूम रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं कैमरे में कैप्चर कर पाया ना, ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको दोनों को एक साथ। तो दिल को बहुत तसल्ली हुई, बच्चे को मैं बाहर से भी ना बाहर रखी आई थी, घर से बहुत दूर रखी आई थी, और मैंने मंगाया अपनी मम्मी से, मम्मी लेके आए थे, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, अब वो उसके मम्मी पापा दोनों आए, मतलब एक एक करके आए, लेके चले गए, बचो तीन बच्चे थे ले गए, तीन ही बच्चे थे ले गए, वो अभी भी घूम रहे थे, थोड़ी देर से घूम रहे थे, मतलब मेरा बहुत फील हो रहा था, बट हमने उसको दे दिए, कोई बात नहीं, कम से कम बैठ से तो अब बेड में नहीं जा सकते, हमने बेड का भी जुगाड़ कर दिया और बेड मैंने अच्छे से बंद कर दिया है, वो नट बोल्ट का छेद हो रहा था वो मैंने बंद कर दिया पूरा, अब बेड में नहीं घुसेंगे, या बच्चे थे उनके इसलिए थोड़ा दुख हो रहा था। देखो सब बैठ गए और सबने देखा है, सबके सामने लेके गए, मम्मी इतना झूठ समझ रही थी, सच में लेके गए, वो ले गए अपने बच्चों को, ले गई वो चोरी डस्टबिन के
अब जाएंगे नीचे जाके खाना ना खाएंगे, अब सुकून की नींद आएगी। भी रोने लगी रोटी छोड़िए, रोटी खा रही है। बहुत देर से ढूंढ रही थी तो भाई को इतना फील हो रहा था। कह रही मैं डैडी रो रहा ना, रोने को हो रहा डैडी बहुत ले गए बल्ले के। मैं आ गया हूँ नीचे, मतलब हम आ गए हैं नीचे और बहुत ही सुकून की रोटी खाने को मिलेगी आज, क्योंकि चूहिया के जो बच्चे थे छोटे छोटे बेचारे वो हमने दे दिए हैं। और हम आ गए नीचे, लावी ये तन्नु भी बैठ गई सुमड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी सुमड़ी बैठ गई है खाना खाने के लिए और लावी ने पहले ही खा लिया, लावी उधर बैठी है और मम्मी और सीमा खाना डाल रहे हैं हमारा। और आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है, कल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सुबह भी खराब थी बट शाम होते होते तबीयत ठीक हो गई। और अभी खाना खा रहे थे, उसके बाद मिलते हैं और फिर करेंगे ब्लॉग को एंड हमेशा की तरह। खाना खा के हम आ गए हैं ऊपर और सीमा जी खा रही है, इनका बहुत ज्यादा पसंद है शरीफा, तो मम्मी ने लेके रखा था इनके लिए, एक तो इन्होंने आते ही खा लिया था और एक ऊपर लाए हैं, ऊपर खा रहे हैं। अच्छा लगता है क्या? मैंने बहुत कम खाया है, बीज निकलता है इसके अंदर ना, हर एक बाइट हर एक उसमें बीज होता है, बहुत सारे बीज होते हैं इसके अंदर। और इसकी याद करते हैं ब्लॉग का एंड, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या बजा देना घंटा घंटा बजा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच जाए। मिलेगा अच्छी वीडियो के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, बाय बाय गुड नाइट, क्योंकि आज हो रही है ज्यादा थकान, सो जाते हैं। कल मैंने चैप्टर 2 देखा था फैमिली मैन का, इसलिए कल सोया नहीं, पूरी रात मैंने पिक्चर देखी है तो फिर भी सो गए थे आधे में। बाय बाय।